लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून के माल देवता में लगातार बारिश की वजह से सड़क कटिंग का पूरा मलबा नीचे मेन सड़क पर आ गया है। इससे वहां रह रहे लोगों के घरों में मलबा घुस गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वक्त वहां कैसे हालात बने हुए हैं। यहां लगातार बारिश की वजह से ढोल गांव में अचानक मलबा आ गया, जिस वजह से रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गए। मलबा आने की वजह से दूसरे गांवों के लिए जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक यहां बैठा गांव के लिए सड़क के निर्माण का काम चल रहा था। बीती रात लगातार बारिश के चलते ये मलबा मेन रोड पर आ गया और पूरा गांव इससे भर गया। ये मलबा कई फीट तक दिख रहा है। मलबा आने के बाद यहाँ रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। यो नज़ारा मालवता क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं आज रोड ब्लॉक हो गई है, पूरी रोड ब्लॉक है और यहाँ पे मलबा आ चुका है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ भी लग रखी है लाइन से। गांव के लोग आने जाने वाले भी धस रहे हैं। इसी प्रकार आप अभी भी देख सकते हैं रोड कटिंग किया मलबा ये यहाँ पर आ चुका है, आप अभी देख सकते हैं। इनके यहाँ भी आप देख सकते हैं। मनवाल जी की जय हो। नरेश भाई क्या करा दिया आपने, यो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रिज बाहर निकल गया। यहाँ पे नीचे होटल था, पता ही नहीं है कि यहाँ पे होटल भी था। ये फ्रिज है इनका, ये बाहर आ चुका है, ये देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हाँ आलू भी, ये देखो रोड कटिंग का मलबा यहाँ पर आ चुका है। बड़ी दलदल है, किसी का पाँव भी वहाँ पर दलदल में घुसा, तो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका भाई बेटा केशव सिंह रावत, और समाज के लिए जनहित के लिए जारी हर समय तत्पर बना रहता है। ठीक उसी प्रकार आज कम से कम 4 GCB आएंगी तभी जाके ये मलबा साफ हो पाएगा। इतर मलबा साफ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति में रोड गंभीर है, आना जाना नहीं हो पाएगा। वहीं देहरादून में माल देवता आपदा स्थल पर पहुंचे अफसरों पर महिलाएं बरस गईं, लोगों में आक्रोश देखा गया। राजधानी होने के बावजूद सुबह 11 बजे यहां पर अफसर पहुंचे। वहीं मंत्री गणेश जोशी को भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मकसद क्या था ये बताइए ना आप पहले। मंत्री गणेश जोशी ने किसी तरह बीच बचाव कर महिलाओं को समझाया। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।